नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और आज है संडे, प्लस आज है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन। सो हमारे जितने भी लोग गुरु पर्व मनाते हैं, उन सबको गुरु पर्व की हार्दिक लख लख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आज अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया था, तो मेरे जो रेल फैनिंग, ट्रेन स्पॉटिंग के वीडियोस हैं वो तो आएंगे ही, बट आज संडे स्पेशल व्लॉग कुछ खास है। खास ये है कि रेल फैन होने के साथ साथ मैं फिल्मों का भी फैन हूँ, और खास करके मैं फैन हूँ रोहित शेट्टी सर का, उनकी मूवीज का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि या जिस तरीके से आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि हर बार रोहित शेट्टी सर अपनी मूवीज में गाड़ियाँ क्यों उड़ाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उठाना सही है, क्योंकि वो जिस लेवल का मेहनत करते हैं, उनकी टीम मेहनत करती है, उनकी स्टंट टीम, उनकी प्रोडक्शन टीम, उनकी पूरी यूनिट, तो मैं यही कहना चाहूंगा गाइस कि आप लोग वो कहावत तो सुने ही होंगे कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज, मैं तो आप लोग से ह्यूम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं किसी को ना तो मैं कुछ गलत कहूंगा और ना मैं बोलूंगा। दोस्तों, आपको पता है मेरा एक बचपन से सपना था कि मैं रेलवे में मैं जॉब करूं, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, टीटी, इन सब में से कुछ भी अच्छे पोस्ट पे जाऊं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, कर भी रहा हूं। तो आप रोहित शेट्टी सर की जो मूवीज होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, मेकिंग वीडियो ऑफ सिंघम रिटर्न्स, सिंघम, सिम्बा और चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, आप उसको देखिए, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके मन में उठते हैं ना सवाल, कि हर बार ये गाड़ी क्यों उड़ाते हैं। कभी आप लोगों ने ये जानने का कोशिश ही नहीं किया होगा कि ये रोहित शेट्टी सर जो हैं, ये गाड़ियां जो उड़ाते हैं, तो इसके पीछे किस लेवल का वो मेहनत करते हैं, क्या-क्या चीज ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज कि आपको लगता होगा कि इन्होंने तो भाई गाड़ियां उड़ा दी और हो गया इनका काम खत्म, ऐसा नहीं है। जिस गाड़ी को उड़ाने के लिए उनकी फिल्मों में स्टंट की जो प्लानिंग होती है वो बहुत ध्यान में रख के की जाती है। हर एक चीज को उनको सोचना पड़ता है उस चीज को करने के पहले, उस चीज को वो बहुत बार स्टंटमैन के साथ उस रिहर्सल होती है उस स्टंट की, ऐसी नहीं एक झटके में उसको गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। प्लस जो स्टंटमैन उस गाड़ी के अंदर बैठा है उसकी जान रिस्क पे रहती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोहित शेट्टी सर की मूवी में आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी चीज ये, आपको लग रहा होगा कि मैं रेल फैन हूं, ट्रेन स्पॉटिंग, ट्रेन व्लॉग के वीडियो बनाता हूं, तो आज मैं रोहित शेट्टी सर के मूवीज के ऊपर क्यों बना रहा हूं? तो गाइस, मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूं, आप लोगों को जान के थोड़ा सा अचंभा होगा, थोड़ा सा डाउट होगा कि कैसे, बट मेरा ये भी एक जो मतलब ड्रीम है कि मैं रोहित शेट्टी सर से मिलूं, उनसे उनके अंडर काम करूं एज अ स्टंटमैन या उनकी प्रोडक्शन टीम में। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, समझें, पूरा देखें, अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, इसमें कुछ दिक्कत है तो कमेंट भी करें। मैं आप सबसे कई बार कहता हूं, आगे के जो मेरे ट्रेन स्पॉटिंग के जो व्लॉग्स हैं या स्टेशन के व्लॉग्स हैं वो तो आएंगे ही, बट आज संडे स्पेशल है तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आज हट के डालूं, क्योंकि उसके साथ साथ रेल फैनिंग के अलावा मैं मूवीज का भी फैन हूं, रोहित शेट्टी सर का फैन हूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं।
और ये मेरा वीडियो जो है रोहित शेट्टी सर को डेडिकेटेड है, उनकी टीम को डेडिकेटेड है। सर हैट्स ऑफ है, आपकी मेहनत को, आपकी टीम की मेहनत को, लगन को सलाम है। जिस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, स्टंटमैन की सेफ्टी देखते हैं, प्राइवेसी मतलब प्रायोरिटी जो रहती है उनकी सेफ्टी की, तो सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप पता नहीं आपके और आपकी मूवीज के कितने लोग फैंस हैं, बट मुझसे डाई हार्ट फैन मैं समझता हूँ कि कोई नहीं होगा आपका। सो गाइस, आज के वीडियो को यहीं पर मैं आप एंड करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, एक जगह जाना है और आज वो काम होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट स्टेशन के व्लॉग बनाऊंगा, या तो उसमें मिलूंगा या फिर ट्रेन स्पॉटिंग के व्लॉग में तो आपसे मुलाकात होगी ही मेरी। तो गाइस, तब तक ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और ओमिक्रॉन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सेफ्टी, आप खुद समझदार हैं किस तरीके से आपको अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान देना है। तो मिलता हूँ गाइस आप लोग से अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर गेटिंग लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स ऑन माई चैनल, और पसंद आया तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, और जितने ज़्यादा मुझसे आप लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए, मैं इसी तरीके की और अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊंगा। थैंक यू गाइस, और आप सबको फिर से मेरी तरफ से सबको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। थैंक यू गाइस, नमस्कार।